जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों इस समय मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो गाड़ी है ग्रैंड i10 पेट्रोल वेरिएंट, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए कि इस गाड़ी का माइलेज एक्चुअल है कितना, क्योंकि एक छोटी गाड़ी है तो ज़्यादातर लोग इसको पेट्रोल वेरियंट में खरीदना पसंद करते हैं। मैंने भी ये पेट्रोल वेरियंट में गाड़ी परचेज की थी, 2018 में मैंने परचेज की थी, और अभी अभी तक मैं इसको लगभग 40,000 किलोमीटर चला चुका हूं, और उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका माइलेज कितना है, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं इसको 40,000 किलोमीटर चला चुका हूं। तो मैं इसको सबसे पहले तो बता दूंगा, इसमें कोई भी इस तरह का मीटर नहीं दिया हुआ जिसमें एक माइलेज दिखा दे कि इस समय आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। ये कोई भी इसमें फंक्शन नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से। जो माइलेज क्लेम करती है इसका कंपनी, वो करती है 18 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल वेरिएंट वाला, पेट्रोल वेरिएंट अपनी गाड़ी के लिए। तीन कंडीशन है, मैं इसको बताता हूँ। पहली जो कंडीशन है वो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो कितना माइलेज गाड़ी आपको देती है। अगर आप सिटी कंडीशन, मतलब आप ट्रैफिक में चल रहे हैं फिर थोड़ा सा गाड़ी को चला रहे हैं फिर ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं फिर चला रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो कितना माइलेज कंपनी गाड़ी आपको देगी। थर्ड जो कंडीशन है वो है हाईवे की कंडीशन। तब हाईवे की कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी स्मूथली चल रही है तब आपकी गाड़ी कितना माइलेज आपको देगी। तो दोस्तों ये है मेरी वीडियो। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको कर लें जरूर, और अच्छी लगे वीडियोस को लाइक जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं बिल्कुल अपने रियल एक्सपीरियंस पे कर रहा हूं। कोई भी बात आज तक भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं आपको जो सही एक्चुअल डिटेल है वही आपसे बात करूं, और उसी बेसिस पे मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कितना माइलेज गाड़ी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसा आप देख सकते हैं 39,734 39,734 किलोमीटर गाड़ी लगभग अभी चल चुकी है, 40,000 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है गाड़ी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप ऐसी कंडीशन में कि आपको बम्पर टू बम्पर ड्राइव करनी पड़ रही है गाड़ी को, तो माइलेज कितना होगा। बहुत ही गंदा माइलेज गाड़ी का आता है उस समय पे। गाड़ी का माइलेज जो आता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वो आता है 10 किलोमीटर पर लीटर का, सिर्फ 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ही सिर्फ आपको गाड़ी दे पाएगी उस समय पे, जिस समय पे आपका जो माइलेज, जब आपकी ड्राइविंग जो है बम्पर टू बम्पर होती है। दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों, अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी को चला रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा उसको ठीक से चलाते हैं, फिर ट्रैफिक आ जाता है, फिर चलाते हैं, फिर ट्रैफिक, सिटी कंडीशन जो मेनली हमारी रहती है, तो उस कंडीशन में जो आपको माइलेज गाड़ी से मिलेगा वो मिलेगा 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का। ये मैं आपको एक्चुअल माइलेज बता रहा हूँ जो मैंने नापा है, खुद मैनुअली चेक किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी जो कंडीशन आती है दोस्तों वो आती है हाईवे कंडीशन। अगर आपको, आप स्मूथली हाईवे पे चला रहे हैं, आराम से गाड़ी को चला रहे हैं, उस कंडीशन में आपको जो माइलेज गाड़ी देगी वो देगी 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का। दोस्तों तीनों ही माइलेज मैंने चेक करके आपसे तब बताए हैं। ये थी इस गाड़ी का एक्चुअल माइलेज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।